आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर एक, भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 36। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 19। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 19 मेडल जीते हैं। क्वेश्चन नंबर दो, टोक्यो पैरालंपिक में भारत में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? ऑप्शन ए 15वें, ऑप्शन बी 16वें, ऑप्शन सी 19वें, ऑप्शन डी 24वें। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 24वें। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत 5 स्वर्ण पदक, 8 सिल्वर पदक और 6 ब्रॉन्ज पदक के साथ 24वें स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 4, अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी कुश्ती, ऑप्शन सी तीरंदाजी, ऑप्शन डी निशानेबाजी। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी निशानेबाजी। फ्रेंड्स, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अवनी लेखरा ने 2 पदक जीते हैं, जिसमें से पहला है स्वर्ण पदक और दूसरा है ब्रॉन्ज पदक। क्वेश्चन नंबर 5, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चीन। चीन ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल 96 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसके साथ वह प्रथम स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, टोक्यो पैरालंपिक में जेवलिन में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी सुमित अंतिल, ऑप्शन सी देवेंद्र झाझरिया, ऑप्शन डी मनीष नरवाल। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सुमित अंतिल। सुमित अंतिल ने जैवलिन में टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था और सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। फ्रेंड्स, मनीष नरवाल ने भी भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, लेकिन वह निशानेबाजी में जीता है उन्होंने पदक। और ऑप्शन सी देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर पदक जीता है टोक्यो पैरा ओलंपिक में। क्वेश्चन नंबर 7, भावना पटेल किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए टेबल टेनिस, ऑप्शन बी जैवलिन, ऑप्शन सी गोल्फ, ऑप्शन डी तीरंदाजी। फ्रेंड्स, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए टेबल टेनिस। भावना पटेल टेबल टेनिस से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टोक्यो पैरालंपिक में किस भारतीय खिलाड़ी ने 2 मेडल जीते हैं? ऑप्शन ए अवनी लेखरा, ऑप्शन बी सिंगराज अघाना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। आपको बता दें कि अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीता है और सिंगराज अघाना ने निशानेबाजी में ही ब्रॉन्ज पदक और सिल्वर पदक जीता है। आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9, टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या है?
ऑप्शन ए मिराइतोवा, ऑप्शन बी सोमाइटी, ऑप्शन सी वाल्डी, ऑप्शन डी सुश। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सोमाइटी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मिराइतोवा है और टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर सोमाइटी है। आपको ये दोनों को बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, टोक्यो पैरा ओलंपिक के आयोजन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन बने? ऑप्शन ए टेकचंद, ऑप्शन बी देवेंद्र झाझरिया, ऑप्शन सी मनीष नरवाल, ऑप्शन डी मरियप्पन। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए टेकचंद। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि पहले मरियप्पन को भारत का ध्वजवाहक बनना था, लेकिन किसी कारणवश मरियप्पन भारत के ध्वजवाहक नहीं बन सके, तो उनकी जगह टेकचंद को भारत का ध्वजवाहक बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पैरा ओलंपिक खेलों में पहली बार कब हिस्सा लिया था? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1968, ऑप्शन डी 1980। गाइज, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1968। क्वेश्चन नंबर 12, भारत ने किस पैरा ओलंपिक में अपना पहला पदक जीता था? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी 1976। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1972, जो हेडन्सबर्ग में खेला गया था। आपको बता दें फ्रेंड्स कि भारत के मुरलीकांत पेटकर ने स्विमिंग में भारत के लिए पहला पदक जीता था, जो स्वर्ण पदक था। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किसने कब भारत के लिए पहला पदक जीता था और कौन सा पदक जीता था, ये एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे नंबर दिला सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, मरियप्पन थंगवेलु किस राज्य के हैं? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी केरल। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तमिलनाडु। मरियप्पन थंगवेलु तमिलनाडु के हैं। मरियप्पन थंगवेलु भारत के हाई जंपर हैं, जिन्होंने रियो पैरा ओलंपिक 2016 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था और टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने भारत के लिए सिल्वर पदक जीता है। फ्रेंड्स, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? ऑप्शन ए ए न्यू वर्ल्ड, ऑप्शन बी इंस्पायर अ जनरेशन, ऑप्शन सी वन वर्ल्ड वन ड्रीम, ऑप्शन डी यूनाइटेड बाय इमोशन। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यूनाइटेड बाय इमोशन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अक्सर पूछ लिया जाता है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था, या फिर किसी पैरा ओलंपिक का आदर्श वाक्य भी पूछ लिया जाता है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव डेली करंट अफेयर की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।